अच्छा देखो, ये एडजेक्टिव है ना। अब एडजेक्टिव है क्या? यूं तो कहने के लिए होता है कि ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कराता है, बट ऐसी बात है। लेकिन इससे भी शुद्ध भाषा क्या है कि देखो, इससे पहले भी चैप्टर एक हम लोग पढ़े हैं, कौन सा? प्रोनाउन। कौन सा? प्रोनाउन। तो अगर आप एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, यानी आपको प्रोनाउन आना चाहिए आपको, ठीक है? अगर आपको प्रोनाउंस नहीं आते तो आप एडजेक्टिव नहीं समझ सकते, ठीक है? तो एडजेक्टिव क्या है? नाउन और आपका प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करवा दे, यानी इसके बारे में जो बताए, उसी को हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर आपका एडजेक्टिव है तो इसका मतलब यह है कि इसके बाद कोई नाउन या कोई प्रोनाउन पक्का होगा। जैसे अगर मैं आपको एक नाम बताऊं कि इंडिया, तो इंडिया क्या है? नाउन है, नाम है। लेकिन अगर मैं कह दूं इंडियन, तो क्या सिर्फ आप इंडियन मुल्क छोड़ देंगे? आपको कहना होगा आई एम इंडियन सिटीजन। समझ में आ रहा कि नहीं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ रहा कि नहीं? इंडियन प्लेयर, इंडियन क्रिकेट टीम, ऐसा आता है। यानी कि आपका ये वर्ड के बाद आपका नाउन और प्रोनाउन गारंटी रहेगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? तो एडजेक्टिव है मतलब नाउन और प्रोनाउन रहेगा, यानी नाउन से पहले कोई भी वर्ड हो वो एडजेक्टिव ही कहलाता है, चाहे कोई भी वर्ड हो। समझ में आया? नाउन के पहले कोई भी वर्ड हो एडजेक्टिव कहलाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब मैंने इसके लिए आप लोग को एक ट्रिक बताया था कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते, इसको जरा ध्यान दीजिए। बोलो। डीपी। अच्छा, पीडी पीडी था। पीडी पीडी चार। अब पी मतलब प्रॉपर, ठीक। डी मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव। पी मतलब पजेसिव। और डी फोर डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या ये सब आपका प्रोनाउन में नहीं आता है? आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब इसके बाद क्या था? क्यू ई और क्यू आई। उसके बाद क्या था? नहीं है ना? तो क्यू से क्वालिटेटिव है ना, और ये क्या है? ई से इम्फैटिक। ई से इम्फैटिक, ठीक है। क्यू से क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, और आई से इंटरोगेटिव। इंटेरोगेटिव। एन से न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल। और ई से आपका एक्सक्लामेटरी। ये आपका तरीका था, पी डी क्यू ई क्यू आई और ने। ये हो गया आपका एडजेक्टिव का मूल मात्रा। अब अगर हम लोग पीडीएफ के अनुसार देखेंगे तो आप जरा समझिए, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव ऑफ नंबर को क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। एक ही नाम है। नंबर ऑफ एडजेक्टिव मतलब क्या? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। नंबर ऑफ क्वालिटी मतलब क्वांटिटी मतलब क्या? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव उस वही नाम कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब प्रोनोमिकल एडजेक्टिव। पजेसिव मतलब यहां पर प्रोनोमिकल जो आपको अधिकार बताता है। इंटरोगेटिव ये भी आपका है, मतलब जैसा ये है वैसा ये है, जैसा ये है वैसा ये है। यानी कि ये प्रोनाउन में जो आपका नाम है वही पर यहां पर है। इज दैट क्लियर? अब कहते हैं भाई एडजेक्टिव ऑफ नंबर, द एडजेक्टिव दैट शोज द नंबर ऑफ द नाउन और प्रोनाउन, यानी कहने मतलब ई। अब देखिए ये एक है, दो है, तीन और चार है, 1 2 3 4, ये सब क्या है आपका? क्यों एडजेक्टिव हम बोलेंगे? अगर हम सिर्फ आपको कहेंगे 1 2 3 4 तो ये एक नंबर है, लेकिन अगर मैं तुझे कह दूंगा 100, तो 1 तो ठीक है, 100 क्या हुआ आपका? समझ में आ रहा कि नहीं? अगर मैं आपसे कह दूं 1 kg पोटैटो, तो ये 1 तो ठीक है, ये केजी और पोटैटो आ गया तो नाउन हुआ ना। 1 लीटर ऑयल। समझ में आ रहा कि नहीं? ऑयल क्या आपका? नाउन है, लेकिन ये 1 लग करके क्या क्या आपका काम बना दिया, यानी उसकी विशेषता ये बता दिया। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जो बतला दिया वही आपका हो गया एडजेक्टिव। कोई दिक्कत यहां पर? चलो अब क्या है आपका फर्स्ट? क्या आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट और नेक्स्ट? ये क्या होता है? नेक्स्ट ईयर। समझ में आ रहा कि नहीं? नेक्स्ट चांस। बात समझ में आ रहा है? लास्ट ईयर, गेट लास्ट।
समझ में रखे, या लास्ट को और अधिक आप डिफाइन कर सकते हैं, ही गॉट अ लास्ट पोजिशन। समझ में रखे नहीं, आप माने आपको बोलना ही पड़ेगा, सेकंड बोलेंगे सेकंड चांस आएगा, सेकंड पोजिशन आएगा, यानी कि आपका नाउन के पहले जो भी वर्ड दिखता है वही सब क्या कह रहा था आपका एडजेक्टिव। तो चाहे वो न्यूमेरिकल रहे चाहे कोई भी रहे, बात एक ही है, सम है, मेनी है, मोस्ट है, नन है, नो है। क्या मतलब समझे, सम, मेनी, मोस्ट, नन और नंबर, ये सब एक प्रकार का आपका क्या है, आपका है गिनने वाला। गिनने वाला को क्या बोलते हैं, काउंटेबल। क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसको कहते हैं हम लोग। और वैसे भी अंग्रेजी में देखिए जरा ध्यान से, इंग्लिश का कुछ शब्द मैंने आप लोग को पहले पढ़ाया था, आप जरा ध्यान दीजिए। अगर मैं आपसे को ओनली, ध्यान दो, यह है आपका ओनली, ओनली मतलब क्या होता है, एक, क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूं सम तो ये क्या हो जाता है आपका 20, अगर मैं आपसे कहूं हाफ तो क्या हो जाता है ये 50, अगर मैं कहूं अल्मोस्ट या मोस्ट कहूं तो ये आपका क्या हो जाएगा 80%, और अगर मैं आपसे कहूं ऑल तो ये क्या हो जाएगा आपका, हुआ ना बात समझ में आ रहा कि नहीं। तो ये भी एक प्रकार का आपका क्या है, न्यूमेरिकल है, क्या आपका न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होता है। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहां पर, समझ में आ गया, पीछे आइए। Enough, sufficient and certain, ये एक ऐसे वर्ड है, enough के बाद टू नहीं लगाया जाता। मैंने पहले भी आप लोग से कहा था, I have enough courage, not enough to, समझ मार के नहीं, you have enough courage, you have enough possessions, you have enough meaning, you have enough money, you have enough car, you have enough, जो भी आप कुछ कहना चाहो, चाहे वो इमोशनल कहो, चाहे आप क्वांटिटी कहो, चाहे आप कुछ भी कहो, ये सारे क्या हो जाते हैं आपके एडजेक्टिव। क्या सो रहा है जी? चलो अब क्या बोल रहा है, देखिए, फ्यू ऑफ फ्यू, द फ्यू, अ लॉट ऑफ लॉट्स, और एक वर्ड मैं आपको और दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर फ्यू है, अ फ्यू है, द फ्यू है, और यहां पर क्या, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, क्या समझते हैं इसका मतलब, एक को कह दिया एक न्यूमेरिकल और दूसरा को कहते हैं क्वांटिटी यानी मात्रा, लेकिन दोनों का मतलब क्या है, इसको हम लोग गिन सकते हैं, इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। कहने का मतलब समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास एक चौराहा है ना, ठीक, सुन रहा है, ठीक है, हाथ नीचे रखो, ये चौराहा है, यहां से कोई बंदा बढ़िया एक गाड़ी लेकर के एकदम आ रहा है, ठीक है, गाड़ी चला के वो आ रहा है, इधर से एक बंदी आ रही है गाड़ी चलाते हुए, समझ में आ रही है, इसको जाना है किधर, ये आके चाहे इधर से ऐसे करके ऐसे जा सकती, चाहे ये आकर के ऐसे ऐसे जा सकती है, पर इंपॉर्टेंट ये नहीं कि इसे आप पूछ नहीं सकते कि किधर जा रही है, इसका मूड होगा तो ये आके यहां मार दे, गिर यही पूछे कि तुम कहां जा रहा था, तुम्हें दिखाई नहीं देता, अंधे हो क्या, बात समझ में आ रहा है। अब बेचारा इसको गुस्सा बहुत तेज आ गया, समझ में आ रहा कि नहीं, लेकिन ये इसलिए नहीं फंसना चाहता क्योंकि अगर इसे हम बातचीत डिबेट करेंगे तो ये कुछ भी कर देगी या कुछ भी कह देगी, अब झूठ मूठ खामा खामा हम परेशान हो जाएंगे, इसीलिए क्या कहेगा, आई एम लिटिल सॉरी, क्या बोलेगा, क्या बोलेंगे, लिटिल, एक होता है आपका अ लिटिल, क्या होता है, और एक होता है द लिटिल, द लिटिल, जब हम लिटिल कहते हैं इसको कहते हैं बहुत थोड़ा कम, क्या बोलते हैं इसको, बहुत थोड़ा कम, बहुत थोड़ा कम, यानी कि ना के बराबर, संवर के नहीं, लड़का की गलती नहीं है, झुकना भी नहीं चाहता, लेकिन अगर ये नहीं बोलेगा सॉरी तो वो पूरा दिन इसको मार देगी, बात समझ में आ रहा कि नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं, कुत्ता कमीना, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, भारत का सबसे पसंदीदा गाली औरतों का, समझ में आ रहा कि नहीं, लड़कियों का, कुत्ता विथ कमीना, नहीं समझे, नहीं बोलती, अरे भाई आप लोग साक्षात देवी, आप लोग कैसे बोलिए, आप लोग नहीं बोलिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो समझ में आ रहा है, यानी आपको नहीं भी मन है, घर में आप लड़ाई करो भाई बहन, समझ में आ रहा है कि नहीं, अमूमन गलती बहन का ही होता है,
ठीक है, लेकिन सॉरी बोलना पड़ता है भाई लोग को, बोलो हाँ कि ना। अब पापा के सामने तो लड़की ही जीतेगी ना, तो पापा कह रहा है सॉरी बोल दो ना रे, तो बोलेगा आई एम लिटिल सॉरी, क्या बोलेगा, आई एम लिटिल सॉरी, यानी वो सॉरी बोला तो है मगर नहीं बोला है, बोला तो है मगर नहीं बोला है, इसका मतलब चलाक हो जाओ, सॉरी कह देने से सब कुछ नहीं होता, लगा दिया लिटिल मतलब हम नहीं बोल रहे तुमको, समझ में आ रही नहीं, तो वो चूंकि पढ़ी नहीं है, समझ में आ रही नहीं, उसका अलग प्राइड चल रहा है, लड़का कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, लड़का लोग जानते हो कितना दिलदार होता है, समझ में आ रही नहीं। सो दिस इज द मेन पॉइंट, अगर आप नहीं कहना चाहते हो और फिर भी आपको कहना पड़ रहा है तो कह दोगे आई एम अ लिटिल सॉरी, आई एम द सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम लिटिल सॉरी, बात समझ में आ रही कि नहीं, इसका मतलब इसको हम गिन नहीं सकते हैं, ये हो जाता है आपका अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन इसके बाद जो सॉरी शब्द आ रहा है उसको नाउन से पहले ये शब्द आ रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग एडजेक्टिव, यानी ये हो गया आपका क्या क्वांटिटी, क्या बोलते हैं इसको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, और यहीं पर आपका क्या था फ्यू, क्या था फ्यू, क्या था अ फ्यू और क्या था द फ्यू। अब इस एक बात बता, इसका मतलब बताइए भाई, इसका मतलब क्या होता है, लेकिन क्या इसको गिन सकते हैं, कहने मत समझो, कंडीशन दूसरा अप्लाई हो सकता है कि ये दोनों तो आके टकरा गया, हाँ कि ना, और यहां पर है क्या भाई ट्रैफिक पुलिस, क्या यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस, और लड़कियों को जो लोग ज्यादा सपोर्ट करता है, ट्रैफिक पुलिस उसको नहीं देखा, ले लड़की जाकर बोलती सर ये हमको इन्हें छेड़छाड़ किया, आए भाजपा जाएगा, पकड़ा गया ना, समझ में आ रहा कि नहीं। अब पुलिस वाला ये भी जान रहा है कि लड़का का कम गलती होगा लड़की, लेकिन चूंकि लड़की को जिता देना है, क्योंकि जिता दो भाई, समझ में आ रहा कि नहीं, तो उसको बोलना पड़ जाएगा आई एम लिटिल सॉरी, क्या बोलेगा आई एम लिटिल सॉरी, लेकिन चूंकि पकड़ा है तो कुछ फाइन चाहिए ना, ये फोन करेगा किसके पास, अपने दोस्त के पास, किसके पास, और दोस्त बोल के रखा है कि तुमको कभी भी कोई कुछ हो और मामू लोग कम से कम पकड़ लेता जरूर दोस्त को याद करना, बोलो हाँ कि ना, आज दोस्त मामू के चक्कर में आ चुका है, और उसको फोन कर दे तो उसको आवाज नहीं, भाई सुनो ना थोड़ा सा 500 रुपये आए कि क्या बोल रहा, कुछ बोल रहा है क्या, तो बोलता हमको कुछ पैसा चाहिए, बोला तो हमको कुछ जरूरत है खासा जरूरत है, तो बोलेगा ठीक है मेरे पास कुछ पैसे हैं, कुछ मतलब क्या होता है फ्यू, क्या होता है फ्यू, क्या होता है फ्यू। अब जब ये गया मांगने के लिए या पैसे लेकर आ रहा है, अब मान लो ये दे दिया कितना 10 रुपया, कितना दिया, अब इसका दिमाग खराब हो जाएगा ना, एक तो लड़की से परेशान, ऊपर से ये परेशान, आज मेरा ग्रह खराब, बोलो सारा नक्षत्र एक साइड हो गया और हम एक साइड पड़ गए, बोलो हाँ कि ना, बोलता है अरे तुमको हम कितना मांगे थे, कम से कम 10,000, 5,000, 500 तो दे दे, 10 रुपया दिया, तो इसने भी क्या बोलेगा, मैंने कहा बोला था आई हैव मोस्ट, आई हैव मैन, मैं बहुत ज्यादा कहा है, मच मनी तो नहीं ना मेरे पास, मेरे पास क्या फ्यू, क्या मेरे पास फ्यू, इसीलिए हम फ्यू में चाहे एक से तुमको 1 रुपया ज्यादा दे दे, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, सब फ्यू में आता है। तो बोलो लड़का के दोस्त का कोई गलती है, नहीं। गलती है जो मार खाए लड़का का कोई गलती है, सुन लिया, हाँ लड़का का गलती है, ठीक है लड़के होते ही ऐसे, ठीक है तुम ना तो ठंडा में निकलो बाहर, ना तुम गर्मी में निकलो बाहर, ठीक है तुम्हारे कार्ड बांटने के लिए तुम्हारे भैया ही जाएंगे, समझ में आ रहा कि नहीं, और उससे जो वो जेट स्ट्रीम का हवा जो आता ना अटलांटिका से चल करके, वो जो पड़ेगा इसका तो इधर झुर्रियाँ हो जाएगा उसके मुंह पर, उसी खाने के लिए बना हुआ है, लड़का गलती है, हो गया, बोलो इसको गिन सकते हैं क्या, नहीं, और इसको गिन सकते हैं, न्यूमेरिकल में जो था उसको गिन सकते हैं और जो इसमें उसको नहीं गिन सकते, बोलो कोई दिक्कत यहाँ पर, सब आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन सेट पर सेट है, देखा कहाँ है, क्वेश्चन देखेगा लोन देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, समझ में आ रहा कि नहीं, देख रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले हुए ना, एमटीएस दुनियादारी है कि नहीं, कब कब क्या क्या आया, चिंता ना करो बहुत मटेरियल है मेरे पास, कहते दूर चल गया है, चलो आ गया, बोलिए क्या क्या वर्ड याद रखिएगा, ये सब वर्ड याद रखिएगा, ठीक है वर्ड याद रखेंगे आपको बहुत काम आएगा, बोलो 1, 2, 3, 4,
फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट सब मेनी मोस्ट नॉन इनफ सफिशियंट सर्टेन फ्यू ऑफ यू द फ्यू अलॉट ऑफ लॉट्स ऑफ. ठीक है, अब क्या बोलता है क्वांटिटी, क्या बोलता है क्वांटिटी, मात्रा कितना, 1, 2, 3, 4 एक केजी, 2 केजी, 3 केजी, कितना चाहिए, सम नन ऑल कितना चाहिए, पूरा चाहिए, मच मोर मोस्ट कितना, इसको गिन नहीं सकते हैं बच्चा. ठीक है, लिटिल अ लिटिल इसको गिन नहीं सकते. राकेश हैज इनफ मनी, समझ में आ रहा है, इनफ इनफ मतलब कितना है, गिन सकते हैं क्या, गिन सकते हैं क्या, लेकिन अगर उसको जाके वहां गिनेंगे तो पता चल जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं. आई हैव सम मनी, ठीक है, इसका मतलब क्या, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है. चलिए थोड़ा सा बात आगे बढ़ाइए और बात बढ़ लीजिए आप क्वालिटी में, किसमें बाबू लोग, क्वालिटी में. कहने मतलब है कि एक लड़का है, अब ये कैसा है, किस प्रकार है, ये आपको कैसे पता चलेगा, क्वालिटी से कैसे पता चलेगा, क्वालिटी से. हर अच्छा दिखने वाला लड़का अच्छा नहीं होता है, पर इस संभावना ये भी है जिसका शकल नहीं उसका अकल भी नहीं होता है. बोलो हाँ कि ना, जानते हो ना, जिसका शकल ठीक नहीं होता वो देखने में भी माने, अरे ब्यूटी जॉय फॉर एवर, ब्यूटी गिव्स जॉय फॉर एवर, खूबसूरती हमें हमेशा आनंद देती है. इसलिए जब भी ब्याह शादी करो क्वालिटी से पहले सूरत देख लो. बोलो हाँ कि ना, लड़का लड़की लाख खराब रहे तो एक बात कम से भरोसा रहेगा कि चलो उसको देख करके तो सुंदर तो है कम से कम, क्या काहे करेगा, सुंदर तो है ना कम से कम, माने सुंदर भी रहेगा काम भी वही करेगा. अब देखो दुनिया के सबसे हैंडसम आदमी हम, हमको काम करते हैं, ये बोलते विराट कोहली, हम कहां बोल रहे हैं, नहीं है, अरे चुप हो जाए यार. चिराग पासवान अपनी खूबसूरती का अलग अलग पैमाना होता है. अब सन ऑफ बिहार की बात करेंगे चिराग पासवान का, अब क्रिकेटर के बाद सब बात करेंगे विराट कोहली का, पढ़ाई बात सब करेंगे रॉबिन राणा की, तो बात समझ में आ रहा कि नहीं, क्या बात करते हो, आ जाओ सीखो सीखो सीखो. तो मैंने लड़का लोग आदत है क्रिकेट घुसा लेगा, चाहे वो जूनियर रहे चाहे सीनियर रहे. एडजेक्टिव क्वालिटी, क्या बच्चा क्वालिटी, बोलो छोटा बड़ा लंबा मोटा, क्या क्वालिटी, क्या क्या गुड बैड ऑनेस्ट नॉटी, क्या लड़का कैसा है, यू आर गुड, मैं यहां लिख दूं यू आर गुड, की बक रहे चुप रह रहे, यू आर गुड है ना, और अगर गुड है यू आर गुड तो गुड क्या, गुड बॉय, यू आर गुड बॉय, यू आर गुड स्टूडेंट, यू आर गुड मैन, समझ में आ रहा कि नहीं, यू आर बैड मैन, यू आर अनऑनेस्ट, यू आर नॉटी, योर गर्लफ्रेंड इज नॉटी, क्या डर्टी प्लर्टी, पक्का कंफर्म है, यू आर ब्लैक देन योर गर्लफ्रेंड इज प्लर्टी. चलो देखो कलर में अगर हम बात करेंगे, बोलेंगे योर शर्ट इज ब्लैक, योर शर्ट इज ब्लू, योर शर्ट इज रेड, यू ग्रीन, एवरीथिंग एल्स, तो जो भी बात बोल रहा है वो सब क्या है, क्वालिटी, क्या है वो सब, क्वालिटी, समझ मारा कि नहीं. जब हम लोग न्यूमेरिकल में बात किए थे 1, 2, 3, 4 तो क्या था, ये न्यूमेरिकल गिन सकते, जब इसको हम लोग क्वांटिटी कर दिए तो 1 लीटर 1 केजी है ना, समझ मारा कि नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पर, लेकिन जब क्वालिटी में आए तो बड़ा छोटा मोटा है ना, पतला अच्छा खराब ऑनेस्ट, समझ मारा कि नहीं, ब्लैक ब्लू ग्रीन, रोहन इज अ टॉल बॉय, समझ मारा कि नहीं, सुमित इज अ नॉटी बॉय, यू कैन अंडरस्टैंड, रोशन इज अ बैड मैन. आ जाइए प्रॉपर, क्या बच्चा प्रॉपर एडजेक्टिव, व्हाट डू मीन द प्रॉपर, प्रॉपर मतलब क्या, खास, जन्म से कोई भी क्या था, कॉमन नाउन, और कॉमन को जब नाम रख दिया तो हो गया प्रॉपर नाउन, समझ में आ रहा कि नहीं. अब प्रॉपर को ही हम कर देते हैं, प्रॉपर मैंने क्या बताया था, इंडिया, क्या बताया था, इंडिया, लेकिन अगर एडजेक्टिव डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इंडियन, तो यहां क्या हो जाएगा, आई एम इंडियन, आई एम, समझ में आ रहा कि नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं, यू आर, समझ में आ रहा कि नहीं. तो अगर इसको और बोलना चाहिए, आई हैव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आई हैव इंडियन आर्मी, बोलो हाँ कि ना, बात समझ में आ रहा है, डू यू हैव एनी डाउट, यू डोंट नो अबाउट द आई हैव, नहीं नहीं ठीक है. अब मैं आपको थोड़े कहूंगा आई हैव पाकिस्तानी फौज, वो रख करके भी शर्मिंदा नहीं हो, राइट, वो रख करके भी शर्मिंदा नहीं होना चाहते,
दुनिया में एक भी युद्ध ना जीतने वाला फौज का नाम है क्या? पाकिस्तानी फौज। समझ में आ गया? है एक जीता है, कौन वाला जीता है? रहने दो, पर हाँ सबका फौज का अलग सम्मान है, भारतीय फौज का अलग सम्मान है। आ जाओ प्रॉपर में आओ भैया, प्रॉपर चलिए। बोलो प्रॉपर में, बोलो इंडिया को क्या बोलेंगे? इंडियन। इंडिया को क्या बोलेंगे? इंडियन। अमेरिका को, अमेरिका को क्या बोलेंगे? अमेरिकन। समझ में आ रहे कि नहीं? कनाडा को बोलेंगे कैनेडियन। इटली वालों को इटालियन। क्या बोलेंगे? इटालियन। इटली से कौन है? मेलोनी। कौन है? क्या है बाबू? मेनोली है ना। भारत से कौन है? मोदी। बराबर क्या हो गया? हेलो गाइस, आई एम मेलोदी। समझ मारा कि नहीं? इटली की जो, समझ मारा कि नहीं, मैडम जो है मेलोनी, और भारत के जो सर है मोदी। कौनो बात हो फटाक से। अरे वो जब फोटो डाली थी ना अपना पर्सनल, समझ में, इटली की महारानी, समझ में आ रहा कि नहीं? तो वो जब डाली थी तो उसको मैंने हजारों लाखों में चला जाता था व्यू। मोदी के साथ डाली और मिलियन मिलियन उसका व्यू चला गया ट्विटर में, रीट्वीट। सोचो तब से ही फैन हो गई। हम दिल दे चुके सनम। एआई खराब चीज नहीं है, उसका यूजेस अगर आप सही तरीके से करो तब। ने समझ रहे कि नहीं? आगे बढ़िए। देखो अगर हम बोलेंगे आप लोग सामने इंग्लैंड, तो इंग्लैंड को क्या बोलेंगे एडजेक्टिव में? इंग्लिश। ब्रिटेन को ब्रिटिश। ब्रिटेन को ब्रिटिश। दिल्ली को, दिल्ली को दलियाट। समझ में आ रहे कि नहीं? और बिहार को बिहारी, और झारखंड को, समझ में आ रहे कि नहीं? और धनबाद को हीरा। फालतू वाल बात नहीं, यहाँ का कोयला ही हीरा है, बोलो हाँ कि ना? क्या बोलेंगे? हीरा। यहाँ का धूल को लोग ऐसे ऐसे लगाता है कि हमारे पास कोयला, यानी को करो। अरे भाई हम लोग मर जाएंगे ना, कोई देखने वाला नहीं है। समझ में आ रहे कि नहीं? और एक एक स्टाफ को 70-80 हजार रुपये बक्सेस मिलता है दुर्गा पूजा का, क्या दिवाली का। कर्जा में रहेगा वो आदमी, तब बोलो डस्ट उसके लिए क्या है? डस्ट है उसके लिए, डस्ट क्या? अमृत है, बोलो हाँ कि ना? और हम लोग चलेंगे सटवा को ढक ढक के, सटवा मेरा खराब हो जाएगा। अरे भैया खराब नहीं, वो आ रहा कि वहाँ जो लोग काम करते हो कहते और मेरे ऊपर आ जा लगो, जितना धूल लगेगा उतना पैसा, बोलो हाँ कि ना? दिस इज द पावर ऑफ द, पर बख्शिश तो सबको मिलता है ना, कुछ हो मिलता है ना? हम लोगों को 5 रुपया दे देगा बख्शिश? मुंह रहना चाहिए बख्शिश लेने वाला, बात करते हो। आ जाओ प्रॉपर एडजेक्टिव। पापा आपके विशेषण में क्या करते हैं? प्राइवेट में अपना नहीं, तो टैक्स उक्स देता है कि सब? चलो ठीक है, 300 करोड़ रुपया एवरी मंथ चोरी होता है कोयला। हमको पूछो ना भैया, इंडिया, इंडिया को क्या बोलेंगे? इंडियन। अमेरिकन को क्या बोलेंगे? अमेरिकन। कनाडा क्या बोलेंगे? कैनेडियन। इटली को इटालियन। एशिया को आसियन। ब्राजील को ब्राजीलियन। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलियन। अफ्रीका को अफ्रीकन। पाकिस्तानियन को पड़ोस में नाम लिख दिए हैं, समझ में आ रहा कि नहीं? पर लिखना नहीं चाहिए था ना। इसराइल को इसराइली। स्विट्जरलैंड को स्विस। क्या बोलेंगे? स्विस। क्या बोलेंगे? स्विस। नेपाल को नेपाली। फ्रांस को फ्रेंच। ब्रिटेन को ब्रिटिश। इंग्लैंड को इंग्लिश। दिल्ली को दलाइट। समझो पटना को पटनाइट। समझ में आ रहा कि नहीं? लद्दाख को लद्दाखी। आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहां पर? अब बोलो पांचवा नंबर में क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या ये डेमोनेशन मतलब दिखाना? क्या होता है दिखाना? डेमो, यहां देखो डेमो, डेमो मतलब दिखाना। समझ में आ रहा कि नहीं? तो आप क्या क्या दिखा सकते हैं, किस प्रकार दिखा सकते हैं? दिस और दैट दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि नहीं? देखिए
योग्य आपका दिस देखिए, ये देखिए, ये देखिए, वो देखिए, ये सब देखिए, वो सब देखिए, दिस दैट दिस दोज आर यूज्ड बिफोर द नाउन, इट कॉल द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस दैट इसका प्लुरल क्या होता है, दिस, समझ में आ रहा कि नहीं, यानी इन सब के बाद अगर नाउन है तो क्या हो जाएगा वो एडजेक्टिव, क्या हो जाएगा वो एडजेक्टिव, कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव, कौन सा, जैसे दिस बुक इज वेरी कॉस्टली, आई बात समझे, बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा कि नहीं, बुक क्या है यहां पर नाउन और दिस यहां पर क्या है, आई बात समझ में, दैट पेन यहां पर क्या है नाउन, पेन क्या है नाउन, ये लगा दें क्या हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव, समझ में आ रहा कि नहीं, बॉयज मतलब क्या था नाउन और ये क्या आपका दिस, समझ में आ रहा कि नहीं, क्या हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, बॉयज दोज, बोलो कोई दिक्कत यहां पर, कोई समस्या यहां पर, इंडस्ट्रियस क्या है यहां पर, ये देखो ये भी ये भी ये भी ये सब क्या है, सब एडजेक्टिव ही है, समझ में, आगे पीछे लगने वाला, लेकिन मैं बात किसका कर रहा हूं, दिस और दैट का, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, क्वालिटेटिव हो गया, चलो इंटरोगेटिव में आ जाओ, ठीक है, चलो इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन वाला, इंटरोगेटिव क्या, क्वेश्चन, इंटरोगेटिव क्या, क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन हम कह तो रहे हैं, अगर मैं इंटरोगेटिव के पहले आपका लगा दूं क्या, माने इंटरोगेटिव के बाद आपका नाउन आ गया क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, देखिए इट इज यूज्ड बिफोर द नाउन इज कॉल्ड द इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, हु व्हिच व्हाट हाउ व्हिच प्लस नाउन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना, वर्ब इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या बोलेंगे, बांटने वाला, कौन कौन बांट सकते भाई, देखिए ईच बांट सकते, एवरी बार से आइदर नाइदर नाउन लगा देंगे तो ये सब गारंटी हो जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच बॉय इज अ गोइंग टू पटना, सारे लोग जा रहे हैं पटना, ये सारे कौन हो गए, बांटने वाला वर्ग नहीं हुआ, ईच प्रत्येक लड़का जा रहा है पटना जा रहा है, ईच बॉय इज गोइंग टू धनबाद, सभी लोग कहां जा रहे हैं, धनबाद जा रहे हैं, तो सभी जा रहे हैं ना भाई, एक तो नहीं जा रहा ना, सभी जा रहे हैं, ठीक है, एवरी हर कोई, ठीक, पॉजिटिव क्या होता है, अधिकार वाला, क्या होता है अधिकार वाला, मेरा उसका तुम्हारा इसका उसकी, और इसके बाद अगर लगा देंगे नाउन क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, मैंने क्या बोला था नाउन के पहले जो भी कोई वर्ड रहे उसे कहते हैं एडजेक्टिव, ठीक है, लेकिन अभी हम बात करेंगे अधिकार वाला पे, देखिए तो माई अवर योर हिज हर दियर यूज बिफोर द नाउन, जैसे माई ब्रदर, ब्रदर यहां पर क्या है भैया नाउन है, उसके पहले माई लगा दे क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया, आई बात समझ में, कोई समस्या यहां पर,